खबर नरसिंहपुर से। एसपी अमित कुमार की पुलिस टीम को ऑपरेशन प्रहार के तहत फिर मिली बड़ी कामयाबी। 30,000 रुपए कीमती 3 किलोग्राम गांजा, नकदी 3,83,000 रुपए बरामद। आरोपी गिरफ्तार। एनडीपीसी एक्ट और एक्साइज एक्ट के तहत पूर्व में आपराधिक कुल 26 प्रकरण हैं दर्ज। पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर के द्वारा जिले में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में लिप्त अपराधियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन प्रहार चलाया, जिसके तहत पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर अमित कुमार के मार्गदर्शन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर नागेंद्र पटेलिया और अनुविभागीय अधिकारी गाडरवारा रत्नेश मिश्रा के निर्देशन में गाडरवारा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ गांजा, नकदी 3,83,000 रुपए सहित आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गाडरवारा पुलिस ने कुछ बंदिया मोहल्ला रानी लक्ष्मीबाई वार्ड गाडरवारा में मुखबिर के बताए हुलिये के संदेही महिला की समक्ष गवाहों की तलाशी लेने पर आरोपियों भागवती बाई उर्फ भागो कुछ बंदिया को पुलिस अभिरक्षा में लेकर गवाहों के समक्ष उसके कब्जे से 30,000 रुपए कीमत अवैध मादक पदार्थ, 3 किलोग्राम गांजा और नकदी 3,83,000 रुपए बरामद करने में सफलता हासिल की। गवाहों के समक्ष मौके पर विधिवत गिरफ्तार किया जाकर जुडिशियल रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। साल 2006 से अब तक थाना गाडरवारा में आरोपिया भगवती बाई उर्फ भागो कुछ बंदिया के विरुद्ध एनडीपीसी एक्ट और एक्साइज एक्ट के तहत कुल 26 आपराधिक प्रकरण दर्ज किए। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी गाडरवारा उमेश तिवारी के नेतृत्व में उप निरीक्षक मनीषा लिल्हारे, उप निरीक्षक वर्षा धाकड़, सहायक उप निरीक्षक पुनीत कटारे, प्रधान आरक्षक भास्कर पटेल, वरिष्ठ आरक्षक अखिलेश पटेल, आरक्षक बालकिशन रघुवंशी, दिनेश पटेल, सुजीत बागरी, आकाश बारूलिया, कृष्णकांत गोपाले, गीता अग्रवाल, नेहा पटेल की सराहनीय भूमिका रही। दिनांक 18/6/2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गाडरवाड़ा की उप निरीक्षक मनीषा लिल्लारे के द्वारा भागवती बाई और भागो कुछ बंदिया से कुल 3 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा तथा गांजा बिक्री के 3,83,800 रुपये बरामद किए गए हैं। धारा 8-20 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई भागोबाई के विरुद्ध की गई है। उल्लेखनीय है कि भागोबाई के विरुद्ध 26 कुल मामले पंजीबद्ध हैं, जिसमें एक गांजा अपराध पंजीबद्ध है तथा इसमें और अवैध शराब रखने के मामले पंजीबद्ध हैं, जिसमें एक जहरीली शराब का मामला है धारा 49 का तथा एक 55 लीटर अवैध कच्ची शराब का मामला है धारा 34(2) का। ये मामले पंजीबद्ध किए गए हैं। भागोबाई को आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसमें भागोबाई की संपत्ति की जाँच भी पुलिस द्वारा की जाएगी। खबर भारतवर्ष के लिए नरसिंहपुर से ब्रजेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।